मैं मनीष अग्रवाल सीईओ ऑफ प्लेस फूड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड जो एस्टेब्लिश हुई है 2005 में और हमारी कंपनी फूड प्रोसेसिंग मशीन इक्विपमेंट में डील करती है। आज मैं आपको अपने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो है खोया मेकिंग मशीन उसके प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी ये खोया मशीन फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी है जिसमें हम कैपेसिटी अनुसार इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ ये मशीन तीन मॉडलों में अवेलेबल है जो कि 50, 100, 130 लीटर मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम मावा की कैलकुलेशन रखें जिसकी मिल्क होल्डिंग कैपेसिटी होती है 10, 20, 30 लीटर्स और ये मशीन हमारी गैस या डीजल ऑपरेटेड पे चलती है। ये खोया मशीन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है जिसमें आप अपने लेबर की बचत और आपके प्रोडक्ट की आउटपुट की कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। ये 2.5 किलो मावा के लिए करीब 20 मिनट का वक्त लगता है जिसमें 1.5 किलो गैस कंज्यूम होता है। ये मावा मेकिंग मशीन बहुत ही हाइजीनिक है। आज के दौर को देखते हुए ये मशीन हमने रीडिजाइन की है जो काफ़ी सेफ, मजबूत और इफेक्टिव है। ये मावा मशीन में दो मॉडल है, टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग। टिल्टिंग का ये बेनिफिट होगा आप अपने प्रोडक्ट को ईजीली टिल्ट करके ऑफलोड कर सकते हैं और क्लीनिनेस के लिए भी काफ़ी ईजी होता है। खोया के अलावा इस मशीन से हम अन्य मिठाइयाँ जैसे कि काजू कतली, मलाई बर्फी, पेड़े, आइसक्रीम, कुल्फी, बासुंदी बना सकते हैं।